अब अगर हम देखें कि खाता बही में हमने जनरल के अकॉर्डिंग पोस्टिंग तो कर ली, कौन कौन सी चीज़ें डेबिट में आएंगी, कौन सी क्रेडिट में आएंगी, किस खाते में आएंगी, वो सारा का सारा हमने लिख लिया। लेकिन अब अगर हमको इन खातों को बंद करना है, क्लोज़ करना है, क्योंकि कभी ना कभी हमको खातों को क्लोज़ करना पड़ता है, ईयरली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या मंथली भी करते हैं, तो जब हम इन खातों को बंद करेंगे तो कौन कौन से नियम को हम फॉलो करेंगे, आइए इस पर एक नज़र डालें। तो यहाँ हम देखेंगे कि जब हम खाता बही को बंद करते हैं तो हम बैलेंस निकालते हैं। एक उदाहरण के आधार पर हम इसको अच्छे से समझेंगे। और इन बैलेंस के अपने दो नाम होते हैं, एक को हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस या डेबिट बाकी या विकलन शेष, और एक को हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस या क्रेडिट बाकी यानी कि समाकलन शेष। अब कब किस स्थिति को हम डेबिट शेष कहते हैं और किस स्थिति को हम क्रेडिट शेष कहते हैं, इसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे। ये एक लेजर है हमारे सामने जिसमें हमने कैश अकाउंट बनाया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैश अकाउंट का जो डेबिट साइड का टोटल है वो है 15,000 और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है 12,000। अब हम देख रहे हैं कि डेबिट टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट कम है। 15,000 में से क्रेडिट का जो टोटल है 13,000 वो हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3,000 का बैलेंस हमको मिल रहा है। यहाँ पर हम जो भी हमारा क्लोजिंग डेट होगा, जैसे 1 जनवरी से हम अकाउंट बनाना शुरू कर रहे हैं तो 31 दिसंबर को हम उसको क्लोज़ करेंगे, 1 अप्रैल से हम बनाना शुरू कर रहे हैं तो 31 मार्च को क्लोज़ करेंगे, या फिर डिपेंड करता है कि कंपनी कब अपने अकाउंट्स को क्लोज़ करेगी। तो लास्ट डे हम यहाँ पर लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे शेष ले गया या बाय बैलेंस BD, और 3,000 के अमाउंट हम वहाँ पर लिखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि टोटल इसका 15,000 हो गया क्रेडिट में और 15,000 से इसको हम क्लोज कर देंगे। अब ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट ज़्यादा था, क्रेडिट में हमने उसको ट्रांसफ़र किया, ये जो स्थिति है ये डेबिट बैलेंस, डेबिट शेष यानी कि विकलन शेष कहलाती है। एक बात यहाँ पे ये जान लेना ज़रूरी है कि कैश अकाउंट एक्चुअली जो होता है उसका हमेशा डेबिट शेष ही होता है, क्योंकि एक रोकड़िए के पास जितनी रोकड़ रहती है, जितनी राशि रहती है, उसमें से ही वो खर्च करता है, उससे ज़्यादा के खर्च वो नहीं करता है। अब ये हमने डेबिट शेष के बारे में जाना। अब अगर हम क्रेडिट शेष क्या है इस पर एक नज़र डालें तो यहाँ पर हम देखते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक बैंक अकाउंट है, इस बैंक अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट दोनों को अगर हम टोटल करें, क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है 20,000 और डेबिट साइड का जो टोटल है वो है 15,000। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्रेडिट टोटल ज़्यादा है, डेबिट कम है। डेबिट है 15,000, क्रेडिट है 20,000, 20 में से 15 जब हम माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पर 5,000 का बैलेंस मिलेगा, जो कि हम बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस BD शेष ले गया। 5,000 से हम इसकी एंट्री कर देंगे और उसके बाद फिर हम टोटल करके 20,000 से बंद कर देंगे। बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनके डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस कुछ भी हो सकते हैं। बात हम यहाँ पर बैलेंस की करें तो यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा था, डेबिट कम था, डेबिट में हमने बैलेंस ट्रांसफ़र किया, ये जो स्थिति है ये कहलाती है क्रेडिट बैलेंस। कुल मिलाकर हमको ये समझना है कि अगर डेबिट टोटल ज़्यादा है तो जो स्थिति बनेगी वो डेबिट बैलेंस कहलाएगी, क्रेडिट टोटल जो अगर ज़्यादा है तो जो स्थिति बनेगी वो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगी। बैंक के बारे में हम यहाँ पर देख रहे थे एक एग्जांपल में, बैंक जो होता है उसका डेबिट या क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है, क्योंकि हालांकि हमको ऐसा लगता है कि बैंक में जितना पैसा है उतना ही तो हम निकाल पाएंगे, लेकिन वास्तव में हमने वाणिज्य में भी देखा था कि ऐसी स्थितियाँ नहीं होती है। बैंक हमको ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्रदान करता है कई बार ऐसी स्थितियाँ होती है जो बैंक के बहुत अच्छे ग्राहक हैं, वो बैंक में जो जमा राशि है उससे कुछ ज़्यादा राशि भी आहरित कर सकते हैं, तो बैंक का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि डेबिट बैलेंस की स्थिति क्या है और क्रेडिट बैलेंस की स्थिति क्या है। अब अगर हम बात करें इन खातों को बंद करने की तिथि की, तो जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारी अलग अलग तिथियां होती है, कई व्यापारी जो होते हैं वो अपने खाते 1 जनवरी को शुरू करते हैं और 31 दिसंबर को बंद करते हैं, इन्हें हम कहते हैं कैलेंडर ईयर।
कई व्यापारी जो होते हैं वो 1 अप्रैल से शुरू करते हैं, 31 मार्च को ख़त्म करते हैं, इन्हें हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष। बहुत से व्यापारी ऐसे होते हैं जो होली दिवाली इस तरह के अवसरों पर अपने खातों को प्रारंभ करते हैं, बंद करते हैं। बहुत से व्यापारी छमाही, तिमाही, वार्षिक, अर्धवार्षिक इस तरह से भी खातों को खोलते बंद करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि व्यवसाय की प्रकृति क्या है, किस तरह से किस डेट पे वो खाते खोलते हैं और किस तरह से बंद करते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यापारी का कोई ना कोई ओपनिंग और क्लोजिंग वाला टाइम ज़रूर होता है। अब अगर हम देखें कि खातों को बंद करने की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम शेष निकालें और प्रत्येक वर्ष में या छमाही में या तिमाही में खातों को बंद करें, तो इस पर अगर हम एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि लाभ हानि ज्ञात करना ज़रूरी है। 6 महीने तक या साल भर व्यापार चलता रहा तो कम से कम ये देखना तो ज़रूरी है ना कि साल भर में या 6 महीने में स्थिति क्या है, लाभ हानि कितनी हुई। तो ये तो तभी पता चलेगा जब हम खातों का शेष निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे, बंद करेंगे उनको। दूसरी बात ये कि वास्तविक जो वित्तीय स्थिति है, यानी कि अब फर्म की स्थिति क्या है, पहले से वो ग्रोथ कर रही है या पहले से डाउन हो रहा है, ये हम तभी पता लगा पाएंगे जब हम पिछले वर्ष का जो लाभ है और इस वर्ष का जो लाभ है उसको कंपेयर कर पाएंगे, और कंपेयर हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने खातों को अब बैलेंस निकालेंगे, उनको क्लोज करेंगे। तीसरी एक बात ये है कि यहाँ से नगद व्यवहार, नगद उधार, नगद उधार खरीदी, उधार विक्रय की जितनी भी स्थिति है वो हमको यहाँ पे पता चलती है। जब हम क्रय खाता बंद करते हैं तो हमको क्रय की स्थिति पता चलती है कि कितना माल हमने क्रय किया, कितना हमारे पास स्टॉक में बचा है। विक्रय खाता जब हम बंद करते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि पूरे वर्ष के दौरान हमने कितने का माल बेचा। वैसे ही अंतिम खाते और विवरण पत्र जब हम बनाते हैं तो जो हमारे प्रत्यक्ष व्यय होते हैं उनकी जानकारी हमको मिलती है, प्रत्यक्ष व्यय कितने हैं, अप्रत्यक्ष व्यय कितने हैं, संपत्तियां कितनी है, व्यवसाय की दायित्व कितने हैं, व्यवसाय के क्या ग्रोथ हो रही है, कितना कितनी वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो बहुत सारी जानकारियाँ शेष जब हम निकालते हैं, खाते जब हम बंद करते हैं तो उसके द्वारा हमको प्राप्त हो जाते हैं। अब इन खातों को बंद करने की जो परिस्थितियां होती हैं वो 2 परिस्थितियां होती हैं। कई बार क्या होता है कि खातों का जो शेष होता है वो दोनों साइड का बराबर होता है, टोटल जो होता है वो बराबर होता है। जैसे हमने मान लो कैश अकाउंट बनाया, दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया, दोनों साइड 20,000 आ गया, तो बैलेंस कुछ निकलता नहीं, बंद हो जाएगा। इसी तरह पहले हमने देखा था कि जब हमने कैश अकाउंट बनाया था तो बैलेंस निकला था, तो अगर बराबर आता है दोनों साइड का तो वो तो वहीं पर बंद हो जाता है, लेकिन अगर बराबर नहीं आता है, कम ज़्यादा होता है, डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस के जो अमाउंट होती है उसको हम बैलेंस में किस तरह से ट्रांसफर करते हैं ये तो हमने पहले भी देखा। अब आइए खातों को बंद करने की विधियों पर एक नजर डालें। हमने देखा कि खातों को बंद करना तो जरूरी है बहुत सारे दृष्टिकोण से, तो कैसे इनको बंद किया जाए, कौन कौन सी विधियां अपनाई जाए। तो प्रारंभ में हमने देखा था कि ये जो खाते होते हैं ये अपनी प्रकृति के आधार पर अलग अलग होते हैं, जिसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता। बात करें यहाँ पर अगर हम व्यक्तिगत खाते की, तो व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति से कितना लेना है या उसको कितना देना बचा है, इन सब चीज़ों की जानकारी हमको मिल जाती है जब हम व्यक्तिगत खाता बनाते हैं। एक उदाहरण से हम इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि मोहन एक व्यक्ति है जिससे हम व्यवहार कर रहे हैं, यहाँ मोहन को दिया 5,000 और सेकेंड एंट्री हम कर रहे हैं मोहन से प्राप्त 2,000। अब अगर हम यहाँ पर मोहन का अकाउंट बनाएं तो इसके जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग हमारी पोस्टिंग किस तरह से होगी। फर्स्ट जो जनरल एंट्री है, जबकि हमने मोहन को दिया है, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी मोहन डेबिट टू कैश, और मोहन का अकाउंट हम बना रहे हैं तो क्योंकि जनरल एंट्री हुई है मोहन डेबिट टू कैश, तो मोहन के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कैश 5,000। सेकेंड हम देख रहे हैं कि मोहन से प्राप्त 2,000। अब क्योंकि मोहन से प्राप्त हो रहा है तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, तो टू मोहन यानी मोहन क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ हम मोहन के अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश 2,000। अब हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि डेबिट साइड में 5,000 है, क्रेडिट साइड में 2,000 है,
डिफरेंस जो आ रहा है, डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि डेबिट बैलेंस है, और 5-2 यहाँ पे हम 3000 का डिफरेंस निकालेंगे और लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी शेष ले गया अमाउंट, यहाँ पे हम लिखेंगे 3000। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मोहन का जो खाता है ये 30,000 से डेबिट शेष यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि मोहन के पास, जैसे अगर जनरल एंट्री का क्वेश्चन आप देखते हैं तो उसको दिया था हमने 5,000 और मोहन ने खर्च किए 2,000, यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 3,000 रुपये उसके पास अभी शेष बचे हैं। तो ये हमको पता चल जाता है, तो हम शेष ले गया लाया गया बैलेंस बी डी सी डी इस तरह से यूज़ करते हैं। दूसरा हम बनाते हैं वास्तविक खाता। वास्तविक खाते को किस प्रकार बंद किया जाता है, तो वास्तविक खाते के अंतर्गत हम क्रय खाता, विक्रय खाता, इस तरह के खाते बनाते हैं, और जो बैलेंस होता है इन खातों का, जब हम क्रय खाता बनाते हैं फिर विक्रय खाता बनाते हैं, तो उससे हमको ये पता चल जाता है कि अब व्यवसाय में कितना माल शेष है। माल हमने क्रय किया, क्रय खाता हमने बनाया, बैलेंस देख के हम ये पता लगा लेते हैं कि कितना माल शेष है। वैसे ही विक्रय खाते के आधार पर भी हम पता लगा लेते हैं कि स्टॉक की क्या स्थिति है। संपत्तियों के आधार पर हम पता लगा लेते हैं कि संपत्ति दायित्व की क्या स्थिति है। तो इनका जो शेष होता है उसको हम बैलेंस में ही ट्रांसफर करते हैं। तीसरा जो होता है नॉमिनल यानी कि अवास्तविक खाता, इनका जो शेष होता है इनके आधार पर हम लाभ हानि आय व्यय ज्ञात करते हैं, और इनकी जो प्रकृति होती है इनके आधार पर इनको, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हमको इनको ट्रांसफ़र करना होता है, तो इनका जो शेष आता है उसको हम व्यापारिक खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब माल के बारे में हमने जाना था, एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है माल। यहाँ पर जब हम क्रय करते हैं तो भी वो माल खाता जो है वही प्रभावित होता है, विक्रय करते हैं तो भी हम माल खाता ही यहाँ पे देखते हैं कि प्रभावित होता है। लेकिन ताकि हमारी लेजर पोस्टिंग बहुत अच्छे से हो सके, इसके लिए हम जब खरीदते हैं तो माल के स्थान पर हम माल शब्द का प्रयोग ना करके क्रय यानी कि परचेस अकाउंट का प्रयोग करते हैं, और जब हम बेचते हैं तो किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि खरीदा तो भी गुड्स लिखा, बेचा तो भी गुड्स लिखा, इसलिए हम वहाँ पर गुड्स की जगह पर हम वहाँ पर सेल्स लिखते हैं। तो यहाँ पर जब हम माल खाते की बात करते हैं तो यहाँ हमको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि वो कौन सा माल है, परचेस वाला है कि सेल्स वाला है, तो इस विषय पे यहाँ पे बहुत अच्छे से जान लेना जरूरी है। यहाँ हमको एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम इस तरह के खातों का निर्माण कर रहे हैं तो हमको अंतिम शेष जो होता है, अंतिम स्टॉक जिसको हम बोलते हैं कि हमने कितने का माल खरीदा और फिर उस खरीदे गए माल में से जो माल हमने बेच दिया और उसके बाद जो हमारे पास डिफरेंस जो बचता है माल का, वो जो होता है हमारा स्टॉक होता है, तो उसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। और उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर संपूर्ण माल की बिक्री हो जाए, पूरा का पूरा माल अगर बिक जाए, मान लीजिए 50,000 का माल खरीदा था साल भर में और पूरा का पूरा 50,000 रुपये का माल बिक गया, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की तो कोई बात बनती नहीं है। तो जब संपूर्ण माल बिक जाता है और यहाँ पर जब हम इसके खाते को देखते हैं और देखते हैं कि क्रेडिट का जो योग है वो डेबिट के योग से अधिक है, तो इसे हम कहते हैं कि इसका जो बैलेंस आता है उसे हम लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और वैसी ही एक विपरीत स्थिति यहाँ पर बनती है, जबकि इसका डेबिट साइड का जो टोटल है वो अधिक होता है और क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो कम होता है, तो एक प्रकार से हानि मान ली जाती है और इसको हम लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इसी क्रम में अगला जो बिंदु आता है वो है अंतिम स्कंध। जब हम बात माल के क्रय विक्रय की करते हैं तो अंतिम स्कंध पर हम पहुंचते हैं और ये देखते हैं कि क्या है अंतिम स्कंध। क्या होता है कि वर्ष भर जो भी माल खरीदा गया उसमें से कितना माल हमने बेच दिया, जो बेचने योग्य माल वस्तु होती है जिसको हम खरीदते हैं, पारिभाषिक रूप से हम उसको माल कहते हैं, खरीदे गए या बनाए गए कुल जो हमारे पास स्टॉक होता है उसमें से जितना विक्रय हो गया, जो बिक गया, और जो ना बिका हुआ माल बच गया, वर्ष के अंत में वही अंतिम स्कंध या अंतिम स्टॉक होता है। और उसी अंतिम स्टॉक को फिर जब हम नया अकाउंट ओपन करते हैं तो वापस हम उसको ओपनिंग स्टॉक के रूप में उसकी एंट्री करते हैं। यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है अंतिम स्कंध की जानकारी प्राप्त करना और ये देखना कि वर्ष के अंत में कितना माल हमारे पास बचा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम नए
नए वर्ष में फिर माल का क्रय विक्रय या उत्पादन का कार्य करते हैं। यहाँ पर हमको एक बात जो महत्वपूर्ण है ध्यान में रखना होगा कि जब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं, अंतिम स्कंद का जब हम मूल्यांकन करते हैं, तो ये हम देखते हैं कि जिस वस्तु के लिए हम क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन कर रहे हैं उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है और मार्केट प्राइस कितनी है। और इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना होगा कि जो दोनों में कम हो, बाजार मूल्य या लागत मूल्य जो दोनों में कम होता है उसी मूल्य पर, उसी वैल्यू पर हम क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन करते हैं। श्री आशीष जोशी की पुस्तकों में प्रविष्टियां कीजिए एवं खतौनी कीजिए। 10 जनवरी व्यापार प्रारंभ किया, रोकड़ 15,000 रुपए, फर्नीचर 5,000 रुपए। 12 जनवरी उधार माल खरीदा, आनंद से 1,000 रुपए, भानु से 1,500 रुपए और मदन से 2,500 रुपए। 14 जनवरी आनंद को भुगतान किए 990 रुपए और 10 रुपए कटौती मिली। 15 जनवरी व्ययों का भुगतान किया, किराया 100 रुपए, वेतन 140, टेलीफोन व्यय 400 रुपए। यहाँ क्योंकि सबसे पहले हमको पंजी प्रविष्टि करनी है, तो पंजी प्रविष्टि जब हम करेंगे तो 2012 10 जनवरी की एंट्री होगी, क्योंकि व्यापार जो प्रारंभ किया गया है उसमें कैश भी लगाई गई है, फर्नीचर यानी कि एक फिक्स एसेट्स भी यूज हुआ है, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश यहाँ पे हमने 15,000 लगाया है, फर्नीचर हमने 5,000 का लगाया है, तो टोटल 20,000 कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद 12 जनवरी को उधार माल खरीदा गया, यानी कि परचेस अकाउंट डेबिट टू आनंद अकाउंट, टू भानु अकाउंट, टू मदन अकाउंट, और आनंद से 1,000 का, भानु से 1,500 का और मदन से 2,500 का अगर गुड्स खरीदा गया है, तो इन तीनों के क्रेडिट में इनकी अमाउंट आएगी और टोटल अमाउंट जो आएगी वो परचेस अकाउंट के डेबिट में 5,000 रुपीज आएगी। 14 जनवरी को आनंद को भुगतान किए गए 990 और 10 रुपीज की कटौती यहाँ पर क्योंकि मिली है, तो क्योंकि हमने आनंद को भुगतान किया है, आनंद पाने वाला है, तो यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे आनंद डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, और आनंद के अकाउंट के डेबिट में क्योंकि हमने 1,000 उसको टोटल पेमेंट हमको करना है, तो 1,000 लिखेंगे, जिसमें से 990 हमने ओनली उसको पे किया, तो उसको हम कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे 990, और क्योंकि 10 रुपीज हमको डिस्काउंट यहाँ पे मिला है। हमने जनरल में देखा था कि जब भी हम किसी को भुगतान करते हैं तो डिस्काउंट वहाँ पे हमको मिलता है, और क्योंकि डिस्काउंट हमको मिलता है इसलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि 10 रुपए हमको डिस्काउंट मिल रहा है तो 10 रुपए से हम डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट। नेक्स्ट, कुछ एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं, तो जनरल रूल के अकॉर्डिंग जब भी हम एक्सपेंसेस पे करते हैं वो सारे डेबिट हो जाते हैं, और क्योंकि जब हम एक्सपेंसेस करते हैं तो हमारे पास से कैश जाती है, और कैश जाती है इसलिए कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट के डेबिट में है 100, सैलरी के डेबिट में है 140, टेलीफोन एक्सपेंसेस के डेबिट में है 400 और टोटल कैश हमने पे किया 640। अब इसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे अकाउंट बना सकते हैं, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, और इसके साथ साथ जितने भी हमने एक्सपेंसेस किए हैं सबके अकाउंट बन सकते हैं, जितने लोग यानी व्यक्तिगत खाते जितने लोगों के प्रभावित हुए हैं उन सबके अकाउंट हम बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम कुछ निश्चित अकाउंट हम यहाँ पर बनाएंगे, सारे के सारे अकाउंट हम नहीं बनाएंगे। तो हमको यहाँ बनाना है कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो इस पूरी एंट्री में हम देखेंगे कि कैश कहाँ कहाँ पे प्रभावित हो रही है। तो इस पूरी एंट्री को जब हम देखते हैं तो फर्स्ट एंट्री में हम देख रहे हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यहाँ पर कैश फर्नीचर दोनों डेबिट हो रहा है और टू कैपिटल, तो केवल कैश की अमाउंट को ही हम यहाँ से लेंगे, और क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 10th जनवरी लिखकर हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, और 15,000 केवल कैश के जो अमाउंट है, फर्नीचर के अमाउंट से कोई लेना नहीं है हमको कुछ भी, यहाँ पर केवल कैश के जो अमाउंट है 15,000 उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 14th जनवरी को आनंद को हमने पेमेंट किया है 990, डिस्काउंट डिडक्ट करके ही हम इसकी एंट्री करेंगे, और यहाँ हमारी जनरल एंट्री हुई है आनंद डेबिट टू कैश अकाउंट,
यानी कि कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाई आनंद अकाउंट और 990 से हम इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट 15 जनवरी को हम देख रहे हैं कि हमने रेंट पे किया है, सैलरी पे की है, टेलीफोन एक्सपेंसेस पे किए हैं, और इन तीनों ही कंडीशन में हमारा जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है, तो हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई रेंट अकाउंट 100, बाई सैलरी अकाउंट 140, बाई टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट 400 इस प्रकार से इसकी एंट्री करेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि और कहीं पे किसी प्रकार से कैश अकाउंट प्रभावित नहीं हो रहा है, तो अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे और यहीं पर हम इसको क्लोज कर देंगे। तो 15,000 जो कि डेबिट टोटल है, इसमें से हम क्रेडिट को माइनस करते चलेंगे, तो 990 प्लस 100 प्लस 140 प्लस 400, इस पूरे को जब हम 15,000 में से माइनस कर देंगे तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो आएगा 13,370, जिसको कि हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी यानी कैरेट डाउन, अगले वर्ष उसको हम ले जाएंगे, शेष ले गया और फिर टोटल जो है इसका 15,000 उसको हम यहाँ पर टोटल में लिख के क्लोज कर देंगे। अब इसी के आधार पर हम कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, तो हम फर्स्ट एंट्री में देख रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट के लिए जनरल एंट्री हुई है कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 10th जनवरी को सबसे पहले लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 15,000, बाय फर्नीचर अकाउंट 5,000, और पूरे प्रश्न में कहीं पर भी कैपिटल अकाउंट प्रभावित नहीं हुआ है, तो यहां पर हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। 15,000 प्लस 5,000 20,000 से क्रेडिट साइड में ये क्लोज हो जाएगा और पूरा का पूरा बैलेंस हम डेबिट साइड में ला लेंगे 31st जनवरी को, क्योंकि जिस माह में ये अकाउंट खोला गया है उस माह के अंत में हम इसको क्लोज कर देते हैं 31st जनवरी को, और यहाँ पर हम बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 20,000 और इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। इसी प्रकार जब हम क्रय खाता बनाएंगे तो पूरी जनरल एंट्री में हम देखेंगे कि क्रय खाता यानी कि परचेस कहाँ कहाँ पे ये प्रभावित हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12 जनवरी को जो क्रय किया गया है वो अलग अलग लोगों से क्रय किया गया है, आनंद से खरीदा गया माल, भानु से खरीदा गया और मदन से खरीदा गया, तो इनकी एक मिश्रित प्रविष्टि जो हमने की है वो है परचेस अकाउंट डेबिट टू आनंद टू भानु टू मदन। तो इस प्रकार क्योंकि परचेस अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में हम डेट डालेंगे और लिखेंगे टू आनंद अकाउंट टू भानु अकाउंट टू मदन अकाउंट, और इनके हिस्से में जो भी इनकी अमाउंट है, जैसे कि आनंद की अमाउंट है 1000, भानु की अमाउंट है 1500, मदन की अमाउंट है 2500, वो हम इसके सामने लिख देंगे, और फिर टोटल जो आता है 5000 उसको हम परचेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में फिर बैलेंस ट्रांसफर करके परचेस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो ये 5000 हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी कैरेट डाउन और 5000 लिखकर हम परचेस अकाउंट को बंद कर देंगे। अब इसी प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी खाते प्रभावित हो रहे हैं, जैसे हम परचेस में ही देख रहे हैं कि आनंद, भानु और मदन तीन लोगों के व्यक्तिगत जो खाते हैं वो और प्रभावित हो रहे हैं, तो हम चाहे तो तीनों के खाते बना सकते हैं। और फिलहाल हम आनंद का खाता यहाँ पर बना के देखते हैं, तो क्योंकि जब हमने जनरल एंट्री की तो वहां पर हमारी एंट्री हुई थी परचेस अकाउंट डेबिट टू आनंद अकाउंट, तो क्योंकि आनंद का जो अकाउंट था वो क्रेडिट हो रहा था, इसलिए जब हम आनंद का अकाउंट बनाएंगे तो आनंद का अकाउंट क्रेडिट हो रहा था तो उसके क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट और 1000 से उसकी एंट्री हम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि 14 जनवरी को हम आनंद को पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये नाम यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से लिखा गया है, यानी कि क्रेडिट परचेस हमने माना है इसको, क्रेडिट परचेस है ये, और अब जब हम 14th जनवरी को इसका पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर हमने 14 जनवरी को जनरल एंट्री पास की है आनंद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि 10 रुपीज डिस्काउंट पे उनको पेमेंट किया गया है, तो क्योंकि यहाँ पर इस जनरल एंट्री में आनंद अकाउंट डेबिट हो रहा है तो आनंद के अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट 990 और टू डिस्काउंट अकाउंट 10 रुपीज। तो ये टोटल हम देख रहे हैं कि दोनों साइड का बैलेंस बराबर होके क्लोज हो जा रहा है, कुछ भी बैलेंस यहाँ पर नहीं बच रहा है,
हमने आनंद से 1000 का गुड्स परचेस किया था और 1000 हमने उसको विद डिस्काउंट पेमेंट कर दिया। अब इसी तरह से हम चाहे तो इसके लिए डिस्काउंट अकाउंट भी बना सकते हैं। इसी फॉर्मेट में, ऐसे ही फॉर्मेट में जब हम डिस्काउंट अकाउंट बनाएंगे तो फिर से हम इसके जनरल एंट्री पर एक नजर डालें। तो यहाँ हम देखते हैं कि डिस्काउंट अकाउंट जो है उसमें जनरल एंट्री जो हुई है वो कहती है आनंद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, यानी डिस्काउंट अकाउंट जो है वहां पर क्रेडिट हो रहा है, तो हम डिस्काउंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय आनंद अकाउंट 10 रुपीज का डिस्काउंट था और किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट पूरे क्वेश्चन में नहीं है। तो यहीं पर हम इस डिस्काउंट अकाउंट को क्लोज कर देंगे और इसका जो बैलेंस है 10 रुपीज वो हम 31 जनवरी को डेबिट साइड में बाय बैलेंस बीडी करके ट्रांसफर कर देंगे और डिस्काउंट अकाउंट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो इसी तरह से जितने भी खाते यहाँ प्रभावित हो रहे हैं पूरी जनरल एंट्री में वो हम बना सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ एक्सपेंसेस है जैसे रेंट है, सैलरी है, टेलीफोन है, तो ये सारे एक्सपेंसेस के लिए हम अलग अलग अकाउंट बना सकते हैं। निम्नलिखित लेन देनों को जनरल में लिखिए तथा खाता बही में खतौनी कीजिए एवं खातों का शेष 31 मार्च 2017 को निकालिए। मार्च 21 80,000 रुपए नगद लगाकर व्यापार प्रारंभ किया जिसमें से 25,000 रुपए बैंक में जमा किए। मार्च 21 नगद माल खरीदा 20,000। मार्च 21 नगद विक्रय 15,000। मार्च 22 सूरज से माल क्रय किया 5,000। मार्च 23 सूरज को चुकाए 2,500। मार्च 25 फर्नीचर क्रय किया 5,000। मार्च 25 नगद क्रय 5,000। मार्च 25 नगद माल विक्रय किया व चेक से भुगतान प्राप्त हुआ जिसे बैंक में जमा किया 10,000। मार्च 26 प्रमोद से माल क्रय किया 5,000। मार्च 27 भुगतान किए मजदूरी 3,500 रुपए, किराया 2,500 रुपए, वेतन 5,000। 28 मार्च बैंक में जमा किए 2,500 रुपए। 30 मार्च भुगतान किए बिजली बिल 1,250 रुपए और सामान्य व्यापारिक व्यय 1,250 रुपए। 30 मार्च नगद विक्रय 10,500 रुपए। 30 मार्च कमीशन प्राप्त किया 1,250 रुपए। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको इसकी जनरल एंट्री करनी है, तो हम जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे और फर्स्ट हमारी जो जनरल एंट्री होगी वहां पर व्यापार प्रारंभ किया गया है 21 मार्च को, जिसमें 80,000 कैश है और 25,000 इसमें से जो है वो बैंक में जमा किए गए हैं। तो दोनों की हम अलग अलग एंट्री करेंगे। पहले हमने जो व्यापार प्रारंभ किया है उसकी एंट्री हम सबसे पहले कर लेंगे 80,000 से। तो हमारी फर्स्ट एंट्री यहाँ पर होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्ट विद कैश, 80,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद सेकंड हम देख रहे हैं कि इस 80,000 में से 25,000 को हमने 21 मार्च को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो हमने जनरल वाले चैप्टर में देखा था कि जब भी हम बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं फॉर्म से तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और क्योंकि कैश उस कंडीशन में हमारी जाती है तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ जबकि हम बैंक में पैसे जमा करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 25,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि नगद खरीदा है माल, हमने नगद परचेस किया है, तो क्योंकि जब भी हम माल खरीदेंगे माल हमारे पास आता है इसलिए हम परचेस अकाउंट डेबिट करते हैं और क्योंकि हमने माल नगद खरीदा है तो हमारे पास से पैसा गया है, कैश हमारे पास से गई है, इसलिए हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। 21 मार्च को हम देख रहे हैं कि एक कैश सेल हमने किया है, नगद माल बेचा है, तो जब भी हम नगद माल बेचेंगे तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे पास आएगी इसलिए कैश अकाउंट डेबिट और गुड्स हमारे पास से जाएगा इसलिए हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है। हमने देखा है कि गुड्स परचेस किया है हमने सूरत से, तो यहाँ पर क्योंकि व्यक्ति का नाम दिया है तो ये हमको समझ जाना है कि उधार जो है ट्रांजेक्शन है, उधार माल खरीदा है हमने, तो इस कंडीशन में हम जनरल एंट्री करेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू सूरज, क्योंकि चाहे हम उधार माल खरीदे या नगद माल खरीदे दोनों ही कंडीशन में माल हमारे पास आना है इसलिए हम परचेस अकाउंट को यहाँ पर हमेशा डेबिट करते हैं।
और अगर हमने नगद खरीदा है तो हम टू कैश अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि कैश हमारे पास से जाएगी, और अगर उधार खरीदा है तो जिस व्यक्ति से हमने खरीदा है उसका नाम हम लिखेंगे। 5000 से हम इसकी एंट्री करेंगे, और उसके बाद 23 मार्च को क्योंकि हमने उधार माल खरीदा था तो अब हम उसको 2500 की पेमेंट कर रहे हैं सूरज को, तो क्योंकि सूरज यहाँ पर पाने वाला है उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी सूरज अकाउंट डेबिट। और क्योंकि हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, कैश हमारे पास से जा रही है, तो यहाँ हमारी हमारा कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि जनरल एंट्री हो जाएगी सूरज डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश पेड टू सूरज। और क्योंकि 2500 ही पे किया है हमने तो 2500 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद 25 मार्च को हमने एक फर्नीचर परचेस किया है, कैश परचेस, नगद फर्नीचर हमने खरीदा है। अब क्योंकि हमने जनरल एंट्री में देखा था कि जितनी भी फिक्स एसेट्स है, चाहे वो फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, मोटर व्हीकल हो, ये सारे फिक्स एसेट्स जब भी हम खरीदते हैं ये हमारे पास आती है व्यापार में, इनका जो अकाउंट होता है वो हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ, और क्योंकि हमने नगद खरीदा है तो जब भी हम नगद खरीदेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगी, तो इसलिए हम कैश यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हैं। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और 5000 का फर्नीचर था खरीदा था हमने, तो 5000 से इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट 25 मार्च को हम देख रहे हैं कि कैश परचेस हमने किया है, तो हम कैश परचेस यहाँ पर करेंगे, तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और 5000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट 25 मार्च को यहाँ पर एक सेल किया है हमने, और बदले में हमने चेक रिसीव किया है, तो और साथ में प्रश्न में स्पष्ट ये जानकारी दी गई है कि जो चेक रिसीव किया गया है उसको हमने उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, तो क्योंकि जिस दिन चेक मिला उसी दिन उसे हमने बैंक में जमा कर दिया, तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 10000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद 26 मार्च को हम देख रहे हैं कि हमने गुड्स परचेस किया है विनोद से, तो ये स्पष्ट हो जा रहा है यहाँ पे कि ये क्रेडिट परचेस है, उधार माल खरीदा गया है, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू विनोद बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम विनोद, 5000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और फिर 27 मार्च को कुछ एक्सपेंसेस किए गए हैं एक साथ, वेजेस है, रेंट है, सैलरी है, तो यहाँ पर क्योंकि सारे एक्सपेंसेस है तो हमने गोल्डन रूल में देखा था कि एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं और इनकम जो होती है वो हमेशा क्रेडिट होती है, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट और सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि तीनों ही कंडीशन में कैश हमारे पास से जा रही है इसलिए हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और वेजेस है 3500 जो कि हम वेजेस के सामने डेबिट में लिखेंगे, रेंट है 2500 जो कि हम रेंट के सामने डेबिट में लिखेंगे, और सैलरी है 5000 जो हम सैलरी के डेबिट में लिखेंगे। टोटल जब हम करेंगे तीनों का तो 11000 जो कैश हमारी खर्च हुई है वो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में कैश के सामने हम लिखेंगे। 28 मार्च को हम देख रहे हैं कि कैश कुछ हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो नॉर्मल जो कैश डिपॉजिट की एंट्री हम करते हैं बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन में, हमने देखा था कि जब भी हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं बैंक में जाता है वो पैसा, बैंक को मिलता है और कैश हमारे पास से जाती है, तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 2500। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 30 मार्च को दो एक्सपेंसेस हमने किए हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है 1250 का और एक जनरल ट्रेड एक्सपेंसेस है 1250 के, तो क्योंकि दोनों ही एक्सपेंसेस हैं तो दोनों को हम डेबिट में लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट, जनरल ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और 1250 और टोटल 2500 कैश के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे। उसके बाद 30 मार्च को कैश सेल हुआ है, तो नॉर्मल कैश सेल की जो हम एंट्री करते हैं वही एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग कैश सेल 10500। और फिर से 30 मार्च को क्योंकि कमीशन रिसीव हुआ है, अब कमीशन जब रिसीव होगा तो हमको कैश मिलेगी कमीशन के रूप में, और एक्चुअल जो हमारा इनकम है, नाम जो है हमारी आय का वो है कमीशन, इसलिए कमीशन को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि आय जो है हमेशा वो क्रेडिट होती है गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट बीइंग कमीशन रिसीव्ड। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जनरल जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है,
और अब हम इस जनरल के बेस पे कुछ जरूरी लेजर जो है वो बनाएंगे। तो इस पूरे जितने भी हमने जनरल पोस्टिंग की है इसमें बहुत से खाते प्रभावित हुए हैं, बहुत सारे लेजर हम यहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर बनाएंगे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, और उसके साथ साथ हमें कैश उसके साथ साथ हम परचेस और सेल्स अकाउंट बनाएंगे। तो जब हम सबसे पहले कैश अकाउंट बनाएंगे तो हम देखते हैं कि इस पूरे जनरल में कैश कहाँ कहाँ पे प्रभावित हो रही है। तो सबसे पहले हम 21 मार्च को देखते हैं, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो वहां हमारी जनरल एंट्री क्या हुई थी। वहां हमने जनरल एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 80,000 से। जबकि हम यहाँ पे कैश अकाउंट बना रहे हैं तो हमको बहुत सावधानी से जनरल एंट्री को देखना है कि कैश अकाउंट की क्या पोजीशन है, डेबिट है कि क्रेडिट है। तो क्योंकि फर्स्ट एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, 21 मार्च हम डेट डालेंगे और यहाँ हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट और 80,000 से हम इसकी अमाउंट की पोस्टिंग करेंगे। उसके बाद फिर से हम 21 मार्च को देख रहे हैं कि ये जनरल एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्योंकि यहाँ पर कैश अकाउंट हम बना रहे हैं और इस एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में 21 मार्च को लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 25,000। नेक्स्ट एंट्री में 21 मार्च को फिर से हम देख रहे हैं कि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। यहाँ हमारी जनरल एंट्री है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है इसलिए कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट और 20,000 से हम उसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद फिर 21 मार्च को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जनरल एंट्री हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी यहाँ पर जो हमारा कैश अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है इस जनरल एंट्री में। तो हम अपने कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 21 मार्च डालेंगे और वहां लिखेंगे हम टू सेल्स अकाउंट 15,000। 22 मार्च की जो एंट्री है वहां पर कैश कहीं पे प्रभावित नहीं हो रहा है, लेकिन 23 मार्च की एंट्री में फिर से कैश क्रेडिट हो रहा है। यहाँ 23 मार्च की हमारी जनरल एंट्री थी सूरज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम डेट डालेंगे 23 मार्च और लिखेंगे बाय सूरज 2,500। 25 मार्च की एंट्री में फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्योंकि कैश अकाउंट यहाँ पर फिर से क्रेडिट हो रहा है तो हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट 5,000। 25 मार्च को फिर से हमारी जनरल एंट्री में कैश आ रहा है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट, डेट डालेंगे हम 25 मार्च और कैश अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट 5,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद फिर से 25 मार्च को जो एंट्री हुई है उसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आया है लेकिन इसमें कैश कहीं पे प्रभावित नहीं हुई है तो इससे रिलेटेड कोई एंट्री हमको कैश अकाउंट में नहीं करना है। 26 मार्च को भी कैश प्रभावित नहीं हो रहा है। 27 मार्च की जो एंट्री है वहां पर हम देख रहे हैं कि वेजेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर क्योंकि ये ज्वाइंट एंट्री है, मिश्रित प्रविष्टि है और कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम 27 मार्च की तीनों एंट्री अलग अलग करेंगे। कैश अकाउंट क्योंकि यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय वेजेस अकाउंट 3,500, बाय रेंट अकाउंट 2,500, बाय सैलरी अकाउंट 5,000। उसके बाद 28 मार्च को हमारी एंट्री हुई है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर भी कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और 2,500 यहाँ पर लिखेंगे। 30 मार्च को दो एक्सपेंसेस दिए गए थे तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हुई थी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट, जनरल ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश। तो क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट 1,250।
और बाय जनरल ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट 1250। नेक्स्ट एंट्री में हम देख रहे हैं 30th मार्च को कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है टू सेल्स अकाउंट, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम 30th मार्च को लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 10,500 और फिर 30th मार्च को कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट, तो फिर से हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू कमीशन रिसीव लिखेंगे 1250। और अब क्योंकि ये कैश अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है और किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं बची है, तो अब हम बैलेंस निकाल देंगे। हमने पहले भी देखा कि कैश अकाउंट जो होता है उसमें डेबिट बैलेंस ही आता है, यानी डेबिट टोटल ज्यादा रहता है। एक कंसेप्ट हमने इसका ये भी देखा था कि जितने भी इनकम होती है वो हम डेबिट साइड में लिखते जाते हैं और जितनी भी एक्सपेंसेस होती है वो हम क्रेडिट साइड में लिखते जाते हैं। तो जितनी हमारी इनकम होती है उसमें से ही हम एक्सपेंस करते हैं, उससे एक्सेस हम नहीं करते हैं। तो यही कारण है कि कैश अकाउंट जो है वो हमेशा डेबिट बैलेंस को दर्शाता है, यानी डेबिट टोटल उसका ज्यादा होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कैश अकाउंट का जो डेबिट टोटल है वो है 1,06,750। इसमें से हम क्रेडिट साइड के जो टोटल बैलेंसेज है उन पूरे को जब हम माइनस कर देंगे तो 31st मार्च को हमारा बैलेंस आएगा 33,250, जिसको कि हम 31st मार्च को बाय बैलेंस सीडी करके यहाँ पर क्लोज कर देंगे और टोटल जो है कैश अकाउंट का 1,06,750 उससे हम क्लोज करेंगे। और फिर एक बार हम इसका बैलेंस चाहे तो ट्रांसफर करके नेक्स्ट ईयर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी 2017 फर्स्ट अप्रैल को हम इसका बैलेंस ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 1st अप्रैल टू बैलेंस बीडी 33,250। तो इस प्रकार कैश अकाउंट हमने रेडी कर लिया। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो इस पूरे जनरल में हम देखेंगे कि बैंक कहाँ कहाँ पे प्रभावित हो रहा है, फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले 21st मार्च को एंट्री हुई है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हमको फोकस करना है बैंक अकाउंट पे, यानी कि बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है कि बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो 21st मार्च की जो एंट्री है उसमें बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि उसकी जो अपोजिट एंट्री रहती है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ हम बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 25,000। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब नेक्स्ट जो हमारा बैंक अकाउंट है वो सीधे 25th मार्च को प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर जनरल एंट्री हुई है जबकि एक चेक हमने रिसीव किया था और फिर उसको तुरंत बैंक में डिपॉजिट कर दिया था, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो फिर हमको देखना है कि बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, तो बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो हम बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में 25th मार्च डेट डालेंगे और लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 10,000। उसके बाद हम देख रहे हैं 28th मार्च को फिर से हमने कुछ पैसे डिपॉजिट किए हैं बैंक में, तो यहाँ पर एंट्री हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए हम बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 2,500। और उसके बाद क्योंकि बैंक से रिलेटेड कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं है, बैंक के क्रेडिट में कुछ भी नहीं आया है, तो टोटल जो है डेबिट का उसके टोटल को हम बैंक अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे और बैंक अकाउंट को यहीं पर हम क्लोज कर देंगे। तो 31st मार्च 2016 को जो बैलेंस है टोटल डेबिट का 37,500 वो ट्रांसफर हो जाएगा और यहीं पर हम बैंक अकाउंट को बंद कर देंगे। और ये जो बैलेंस है बैंक का 31st मार्च को उसको हम ओपनिंग बैलेंस के रूप में 1st अप्रैल को ट्रांसफर कर लेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 37,500 से। ऐसे ही हम कैपिटल अकाउंट चाहे तो बना सकते हैं। एक ही एंट्री हुई है कैपिटल की, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमारी एंट्री हुई थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो रहा था, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 80,000। और क्योंकि कैपिटल से रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं है तो अब हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे और 31st मार्च को टू बैलेंस सीडी 80,000 करके हम इसको क्लोज करेंगे। और फिर हम ओपनिंग बैलेंस इसका 2017 फर्स्ट अप्रैल को ट्रांसफर कर लेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी 80,000। अब इसी तरह से हम परचेस और सेल्स अकाउंट भी बना लेंगे। तो जब हम परचेस अकाउंट बनाते हैं तो हम देख रहे हैं कि 21st मार्च को सबसे पहले हमने कैश परचेस किया है,
यहाँ हमारी जनरल एंट्री हुई थी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसलिए हम परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 20,000, डेट डालेंगे हम 21st मार्च। उसके बाद 22nd मार्च को फिर से हमने सूरज से माल खरीदा था, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हुई थी परचेस अकाउंट डेबिट टू सूरज, तो हम यहाँ पे परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू सूरज 5,000। उसके बाद 25th मार्च को हमने फिर से कैश परचेस किया था, यहाँ हमारी जनरल एंट्री हुई थी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पर हम फिर से परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश 5,000। और 26th मार्च को हमने फिर से परचेस किया था विनोद से, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हुई थी परचेस अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट और 5,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और किसी प्रकार का कोई परचेस रिटर्न यहाँ पर है नहीं और कोई परचेस भी नहीं बचा है, तो अब हम इसको क्लोज कर देंगे। डेबिट साइड का जो टोटल है वो आया है 35,000 और ये पूरा का पूरा टोटल जो है वो हम ट्रेडिंग में ट्रांसफर करके 35,000 परचेस अकाउंट के क्रेडिट में ले जाकर इसको बंद कर देंगे। इसी तरह से हम सेल्स अकाउंट भी बना लेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 21st मार्च को पहला सेल हमने किया था वो कैश सेल था, और वहां पर जो जनरल एंट्री हुई थी वो थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे क्योंकि हम सेल्स अकाउंट बना रहे हैं और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 15,000। उसके बाद 25th मार्च को फिर हमने एक सेल किया है, चेक मिला था जिसे बैंक में हमने जमा किया था, तो वहां हमारी जनरल एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब क्योंकि सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम 25th मार्च को लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 10,000। उसके बाद 30th मार्च को एक कैश सेल हमने और किया था जहां की जनरल एंट्री हुई थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो फिर से क्योंकि सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 10,500 और टोटल जो है इसका 31st मार्च को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 35,500। तो इस तरह से हमने कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट अपने कंप्लीट किए। जितने भी खाते इसमें प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो कमीशन हो, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो, फर्नीचर हो, जनरल ट्रेड एक्सपेंसेस हो, सूरज का अकाउंट हो, बहुत सारे एक्सपेंसेस हमने यहाँ पर किए हैं, सारे एक्सपेंसेस के लिए और जितने भी लोग यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं सबके लिए हम लेजर बना सकते हैं।